दूध हमारा बॉयल हो गया, जो आज फ्रेश दूध आया है और ये बचा हुआ है कल का। पहले हमारे घर पे आता था 3 किलो दूध, अब चाय मैंने कम की और अम्मी भी नहीं है, चाचू भी नहीं है, मतलब बड़ों के लिए सबके लिए चाय बनती थी, तो आप जो है ना 1.5 किलो आ गया। और बाकी यहाँ पर बनाया चिकन कढ़ाई का सालन, आपको अभी दे दूं चाय पराठा खाना, चिकन के साथ खाओ। स्कूल से वापसी पे भी चाय पराठा, रात को भी चाय पराठा, गांव जाएंगे वहां पे भी चाय पराठा, शादी में जाएंगे कहीं जाएंगे तो चलो बनाते हैं आपके लिए चाय, आपके लिए बनती है, मेरा भी दिल करता साथ में। अम्मा तो ये हमारी गलती नहीं, आप ही पीती है। यहां से चलो हम अपनी देखते हैं, ये गैलरी, वॉशिंग मशीन जैसे पैक करके गए थे ना वैसे पैक हुई हुई है। और इसके अलावा हम देखते हैं अपने प्लांट, बिल्कुल ठीक ठाक है, इसका पानी खत्म हो गया, हाँ ये सूख रहा है तो ठीक है। जैसे हम इनको छोड़ के गए थे, आज मैं इनको देख रही हूँ, कोई भी गिलास भर लो तैयार पानी का, ये गिलास ले लो, इसी से दे दो। ये सब मुझे कल मिला था जब मैं हाइड्रा फेशियल के लिए गई थी, एक ये मुझे मिला है मॉइस्चराइजर लोशन, और ये देखो ये हो गया क्लिंजर, और ये हो गई स्किन लाइटिंग क्रीम हो गई, और इसके अलावा ये हो गई सनस्क्रीन। सबसे पहला मेरा स्टेप है ये वाला, तो इससे जो है ना अपना फेस वॉश करते हैं हम। और इंस्टाग्राम पे है मेडवर्क्स के नाम से, तो यहाँ पर आप जो है ना इनका स्किन केयर का प्रोडक्ट आप ले सकते हो, जो कि आपकी स्किन को हेल्दी और फ्रेश दिखाने के लिए, जैसे कि मेरी स्किन बहुत ख़राब हुई हुई थी, ये आप ले सकते हो। तो देखो अंदर से कुछ ऐसा है, कितना खूबसूरत पैकिंग है ना इसकी, क्लिंजिंग हो गई, अब बारी है मॉइस्चराइजर की, तो अब मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? तो देखो मेरी स्किन चमक रही है ना, मैं डेली थोड़ा सा हल्का सा बीबी क्रीम लगाती हूँ, कुछ ना कुछ जैसे फेयर एंड लवली लगाती हूँ, फिर अपना व्लॉग हम शुरू करते हैं। लेकिन देखो आज मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई करा हुआ, मैंने ये फेस वॉश किया क्लिंजिंग, जो अभी मैंने आपको पहला स्टेप दिखाया था, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अब ये मॉइस्चराइजर आता है ना। और आज मुझे ऐसे जमाने कई अरसे बाद मुझे अपनी वो पुरानी वाली स्किन की झलक दिख रही है जो मेरी पहले हुआ करती थी। इतनी से मैंने मॉइस्चराइजर क्रीम ले ली है, तो इसको अप्लाई करते हैं। अब है क्रीम की बारी, तो देखो क्रीम की पैकिंग कितनी खूबसूरत है। तो ये देखो हमारी स्किन गई है चमक, तो अपना व्लॉग जो है ना ऐसे ही चमकदार बनाती है स्किन की तरह। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे खाना चल रहा है, कैसा बना है मम्मा ने, कैसा बना है? टेस्टी है ना? मैं नहीं खाने वाली, मैं डाइट पर हूँ, अगर आप कहोगे तो एक दो बाइट खा लूंगी। खा ले। डाइट को चीट कर रही हैं। हाँ? चीट कर रही हैं। अपनी बनाई हुई चीज खाने का दम पकड़। आज मैं आपको कैसी लग रही हूँ? एकदम सुंदर। मेरी स्किन पे तो गौर किया नहीं, मुस्तफा मामा की स्किन कैसी लग रही है? कल गई थी फेशियल ले लिए, तो थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है। ओ मम्मा की शहजादी आ रही है रेडियो के, कहाँ जा रहा है बेबी? एयरपोर्ट जा रही हो? फिर से एयरपोर्ट याद आ गया, हम पार्क जा रहे हैं। तो बच्चे कब से जिद कर रहे हैं कि हमें पार्क जाना है, अभी शाम का टाइम हो रहा है, दिन में थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, ऐसे ठंड लग रही थी। हम यहाँ पर आए ना, बच्चे कब से बोल रहे हैं पार्क का, ना मैं खुद जा रही हूँ, ना मैं इनको लेकर जा रही हूँ, अम्मी हुआ करती थी तो अम्मी के साथ कभी भी हम निकल जाते थे, अभी कोई कंपनी नहीं मिलती, अजीब लगता है। लेकिन हाँ आज जो मैं बच्चे जल्दी स्कूल से भी आ गए, ट्यूशन भी जल्दी पढ़ के आ गए, अकेडमी मुस्तफ़ा का मैंने अभी छुड़वाया कि अभी इनके पेपर शुरू हो रहे हैं, तो जब तक पेपर है तब तक अकेडमी नहीं जाएगा मुस्तफ़ा, तो बस इस वजह से आज टाइम है, आज जल्दी फ्री हो गए हैं पढ़ाई करके, तो इनको थोड़ा बाहर ले चलती हूँ। मुस्तफ़ा आपको मैं आखिरी दफ़ा बोल रही हूँ, कल से सैटरडे से कल से फिनिश, आज बस ये वीकेंड पे नहीं, मेरा लास्ट डे है, नहीं अकेडमी को छोड़ दो बस। आपकी टीचर ने आपको टेस्ट दिए? तो मुझे आता है वो वाला, टीचर से पूछ भी लो, उन्होंने कहा, टीचर ने मुझे मैसेज किया, वॉइस मैसेज में उन्होंने सिर्फ रिवाइज का नाम लिया। ना अच्छा या कल टेस्ट तो क्यों नहीं आएगा, पक्की बात है आज फिर जाने दे रही हूँ। हाँ जी, सिर्फ आज लास्ट डे। पापा कौन से बोल रहे हैं? हाँ पापा कौन से बोल रहे, कह रहा है आज के दिन मुझे अकेडमी छोड़ दो, फिर नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा जब तक पेपर नहीं खत्म होते, ठीक है? ओके चलो आ जाओ। हाँ आपको भी साइकिल लेकर जानी है, मैं बंद कर रही हूँ, आप चलो। मेरी बेटी को किस काम पे लगाया हुआ है? हाँ ये कुछ नहीं हो रहा है। हाँ टायर की हवा कम हो गई थी तो सारे वापस आ गए हुई है अपने काम के लिए, आये जोर लगाओ, आज मेरी बेटी को काम दे दिया।
मैं तो साइकिल पे जा रहा था, मुझे मिर्ची थक गई है। चलो छोड़ दो ना, बस सही है, नहीं कर लो, मुझे डर लग रहा है ये गाड़ी में ना लग जाए। हमारी गाड़ी की हम खुद हिफाजत करेंगे, बाकी बाहर के लोग थोड़ी अगर करेंगे, हमें करनी पड़ेगी हिफाजत। फिर बच्चे ना साइकिल नहीं चलाने दे रहे, मेरा बहुत दिल कर रहा है। मुस्तफा कहता है मैं मम्मा मेरी साइकिल के टायर फट जाएंगे। मम्मा कहाँ जाएगी, इतनी बड़ी साइकिल इसलिए तो दिलाई थी आपको कि कभी मम्मा का दिल करे तो आपने भी तो इतना वजन बढ़ा लिया है, फिर उस वक्त तो ठीक था आपका वजन। मैंने गन्ना भी उठा लिया, पार्क में बैठ के एक गन्ना भी खा लेंगे। नीचे देखो, नीचे देखो, वो बड़ा मुझे साइकिल दे नहीं रहा, ये छोटी मैं क्या करूँगी। पार्क में जैसे आओ ना, अम्मी की याद आती है, अम्मी के साथ आया करती थी। गन्ना खाना है, लाइक तो है भी इतना हार्ड आए तो मैं बूढ़ी हो गई। ऐसे लग रहा है जैसे कोई लोहा हो। ये देखो कितना सफाई से मैंने छीला है ना। आई फील हैप्पी हो। थैंक यू, वेलकम माय बेबी। ये देखो, ये मेरा बैंड देखो ले आई, ये गले में डालो, निकालो इसको, बैंड निकालो। तो हम आ गए वापस किचन की। मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं बना रही, ना ही मैं किचन में जा रही हूँ, क्योंकि जितना मैं जाती हूँ ना बहुत दिल करता है कुछ ना कुछ खाने का। और मैंने बस अभी लिए कॉफ़ी। कॉफ़ी लेने के बाद कब से मैं सोच रही थी कि मैं आप सबके साथ ये वाली बात शेयर करूँ कि मुझे जो है ना डांस करना है फातिमा की शादी पर। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे बहुत शौक था, मैं बहुत डांस करती थी, हर शादी जैसे होती थी शादियों में डांस करने का बहुत शौक। और स्कूल में भी हर साल जैसे फंक्शन आता था उसमें डांस में पार्टिसिपेट कुछ भी हो जाए मुझे करना ही करना होता था। वही बचपन वाला शौक जो है ना दोबारा से जागा है कि नहीं, अपनों की शादियों पे तो डांस करना ही चाहिए। तो और जैसे कल को मुस्तफ़ा की भी शादी होगी, तो मुस्तफ़ा की शादी पे भले मेरी उम्र जितनी होगी मैंने डांस जरूर करना है अपने बेटे की शादी पे। तो हाँ, फिलहाल अभी फातिमा की शादी है तो थोड़ी बहुत डांस प्रैक्टिस शुरू करें, अभी दिन ही कितना बचे हैं। तो मेरे साथ मुझे कंपनी देने वाले हैं बच्चे, तो देखना शादी के फंक्शन तो फिर बहुत ही मजे के हम बनाएंगे, बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, आप सब भी एंजॉय करना। हाँ हाँ, चलो एक मिनट मैं कैमरा फिक्स करके आ रही हूँ। आपको पता है, आपको पता है हमने इतना अच्छा डांस प्रैक्टिस किया है, इतना अच्छी मैंने डांस की है। मैं छुप छुप के देख रहा था। अभी छुप छुप के नहीं देखना, अभी आप शरेआम देखना। आपको पता है स्कूल में जो फंक्शन होते थे ना उसमें कुछ किसी चीज में नहीं, मैं स्कूल में जो फंक्शन होता था ना साल में एक बार उसमें मैं डांस प्रैक्टिस में हिस्सा लेती थी। अच्छा, मैं डांस में हिस्सा लेती थी। पोजीशन तो होती है ना, पोजीशन डांसिंग में पोजीशन नहीं होता। इसके स्कूल में जो ज्यादा डोके लगाए वो जीत जाएगा। फिर उसने पोजीशन बताते हुए कमाकार भाई आपके लिए मैं ये गाना डेडिकेट कर रहा हूँ। आप इस गाने पे डांस करोगे? हाँ जी। उसकी शादी पे? हाँ। कौन सा गाना बताओ? आज मेरे यार की शादी, ये इसका डांस हो रहा है। वाह, ये तो आपने इतना अच्छा कलर किया है। आपको कलर करना अच्छा लगता है? बहुत ब्यूटीफुल किया है। मम्मा, हाँ, मुझे बिंगो पे करना। कहाँ चला गया? ये रहा बिंगो, यही है? नहीं, ये नहीं है। अच्छा, ये तो ये रहा बिंगो, ये वाला। आपको मम्मा अच्छी लगती है? हाँ मम्मा। पापा अच्छे लगते हैं? हाँ। पापा पापा ये क्या कर रहे हैं आप? ये चेक कर रहा हूँ मसाला। हाँ जी, दिखाएं तो सही, दिखाएं तो सही, दिखाएं तो सही। चेक करते करते पूरी कढ़ाई खत्म हो गई। ये देखो, ये पापा आराम आराम से आलू निकाल के खा रहे हैं।
और ऐसे थोड़े थोड़े करते करते ना सालन के सारे आलू ऐसे ही खत्म हो गए। तबीयत मेरी खराब है, मुझे नगेट्स भी दो, सूप भी दो। सूप मैंने बनाया नगेट्स बच्चों के लिए। मुझे नगेट्स चाहिए और सूप में इनके लिए जितना बनाओ ना, पता नहीं क्या बच्चों को सूप नहीं पसंद आ रहा। अरे बड़े बच्चों को अच्छा लगता है। और ये जितना भी हम सूप बनाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड खत्म करते हैं, घर में कोई भी नहीं लेता। और गाइस आज हो गए सेकंड डे, कल से हमने व्लॉग शुरू किया था तो आज है दूसरा दिन। कल हमने डांस प्रैक्टिस की थी ना तो तबीयत खराब हो गई है, टांगों में दर्द हो रहा है अभी। पापा को तो सूप जैसा भी हो, पापा को तो गरम मिल जाए बहुत ज्यादा मजे का। मेरी तबीयत जल्दी से सही हो जाए। मैंने जहाँ जहाँ भी फोन किया ना दोस्तों को, इधर उधर सबका यही हाल है। ना सूप भी इंजॉय करती हूँ और पाँव को भी थोड़ा सुकून मिलेगा। नोबिता बेबी है सबका, नोबिता सबके दिलों का राजा है, अब देखना ठीक हो जाएगा। अच्छा बस नोबी नोबी बस मैं आपसे नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। आज है दूसरा दिन, कल मैंने व्लॉग शुरू किया था तो आज सेकंड डे हो गया, क्योंकि मैं जब गांव गई थी वहां पर मैंने एक दिन में दो दो व्लॉग बनाए थे, इसलिए मेरे पिछले व्लॉग थे जो चल रहे थे। हालांकि मैं यहाँ जल्दी पहुंच गई थी, बहुत सारे इस तरह के भी मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप अभी तक गांव में हैं, गांव में नहीं, मैं यहां पर थी और गांव के व्लॉग डाल रही थी। आपने मेरा देखा था ऑरेंज ड्रेस में, मेरे तीन व्लॉग आए थे, तीन दिन अलग अलग मैंने व्लॉग करके उनको अपलोड किया था, क्योंकि बीच में एक ही दिन पे गाड़ी का आ गया था। जैसे मैंने वो क्या था, गाड़ी का सेलिब्रेशन किया था वो आ गया था, फिर उसके बाद फातिमा की शादी की डेट फिक्स हुई थी वो आ गया था, तो ऐसे फिर एक मैंने शाम का बनाया था। तो मैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन रही थी, चौथे दिन हम वहाँ से निकल आए थे, लेकिन आपको वहाँ के हफ्ते भर के व्लॉग मुझे मिले होंगे, तो बस वहाँ पे मैं इतने दिन ही रही थी। तो मैंने सोचा आप दो व्लॉग मिक्स करके एक ही ऐड करती हूँ, मैं बहुत पीछे चल रही हूँ और सबके फ्रेश व्लॉग आ रहे हैं। और देखो इसने चुन्नी दोबारा से उठा ली है। लड़के नहीं, मेरी साइड, हमारी साइड लड़की वाली, नहीं लड़की वाली साइड है। सही बात, किस साइड पर हो? दोनों साइड पर हो? नहीं एक साइड बताओ। दोनों दोस्त हैं। बता रही आए तो आप किसकी साइड पर हो? लड़की की साइड, इसने खुद बोला। बकर भाई की साइड पे हो ना। और आज जैसे कि सैटरडे बच्चों का स्कूल से ऑफ भी था तो टाइम है मेरे पास। एक तो मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, समझ में नहीं आ रहा पहले मैं कहाँ से किस बच्चे की शॉपिंग शुरू करूं। अपने तो मैंने वहां से देख लिए थे कि मैं रेंट का करूंगी, लेकिन रेंट वालों के पास ज्यादातर रेड 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 था, मुझे रेड नहीं लेना। तो खैर बहुत सारा कुछ चल रहा है, अभी देखो क्या होता है। फिलहाल अभी हम कार्ड छपवाने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं कार्ड हमने कहाँ से बनवाना है। बनवाने शादी का इनविटेशन जो हम देंगे, तो जिस जिसको मैंने देना है उस लिहाज से मैं उतनी बनवाऊंगी। दीवानी ये देखो, ये डांस की दीवानी चुन्नी पहन के आ भी गई है। अपने पापा को भी सिखाओ, पापा को भी चलो। ये तो आलू मटर शुरू हो गया है। किसी का डांस आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये डांस प्रैक्टिस है। अरे मेरे बच्चे को बहुत शौक है डांस करने का। अच्छा देख, तो गाइस अभी जो है ना एनर्जी खत्म हो गई है, लेमन मंगवा लिए, सॉरी ग्रीन टी पी रही हूँ लेमन वाली।
और सच में ना मैं इस वजह से किचन में नहीं आती, मुझे बहुत दिल करता है इसको देख के। अब देखो कितना मजे का बना हुआ है, तो बंदा चखता रहता है। अभी मेरे सामने ये देखो ये सब चल रहा है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने लहंगा चोली पहनना है ना, लहंगा चोली के लिए तो ये सब करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करो ना मेरे लिए, बोलो कि आप किचन में मत आना, मैं बच्चों के लिए खाना बनाऊंगा, मैं ये सब कुछ करूंगा, तो यूं यूं चुटकियों में पतली हो जाऊंगी। ठीक है मैं ले रही हूँ, एक आलू ले रही हूँ। आप तो कह रही थी मैं डाइट कर रही हूँ, तो आलू खा के फिर आलू बन जाओगी। ये तो उठाओ, मेरे सामने मत खाया करो। फिर फुफू प्रैक्टिस कब करेंगे, आप तो खा के मोटी होती जा रही है। मैंने सोच लिया है मैं पतली नहीं हो सकती, मैं ऐसी रहूंगी। क्यों? मैं भी फुफू के साथ हूँ, मैं भी खा रहा हूँ, मोटे होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो इनके पापा के सामान में से ये निकला है मेरा, ये मैंने लिया था दुबई से जब मैं दुबई गई थी। ये दुबई की प्रोग्रेशन दिखाता है कि कैसे ये लोग ऐसे दुबई में पहुंचे और अब दुबई कैसा, मतलब स्टार्ट ऐसा था। हाँ ये जैसे ये लोग दुबई में पहुंचे ये इनकी बिगिनिंग थी, और अब देखो ये इधर पहुंच गए। ये सेवन स्टार होटल है सुना था, सेवन स्टार होटल नहीं, जैसे जब ये बना था ना तब जो अंदर इंटरव्यूज गए हुए होते हैं तो वो इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये फाइव स्टार होटल से तो बहुत आगे आ गया, ये एक सेवन स्टार होटल है, तो इसलिए इसको तब से सेवन स्टार होटल कहते हैं। अच्छा तो कैमल कितना प्यारा लग रहा है, इस होटल से ज्यादा प्यारा लग रहा है, उससे बड़ा भी है। और उसके ऊपर जो ये बाबा बैठे हुए हैं, इनकी लाते इतनी आगे आई हुई है, और टोंगी इतनी आगे क्यों और देखो ये वहाँ का ये ट्रेडिशनल सूट कहेंगे वहाँ का जो पहना। तो ये देखो ये हमारा स्टोर रूम बना हुआ, यहाँ पर हर किसी के बैग हैं, वैसे भी अभी गांव जाने के लिए दोबारा से पैकिंग करना है। तैयबा का कमरा था, और तैयबा ने देखो मुस्तफा मेरी पिक्चर कैसी लगाई है बाबर के साथ वाली। बाबर का बहुत बड़ा रोल है ना हमारे यूट्यूब जर्नी में, ये आयत इतनी छोटी है यहाँ पर। ये वाली है जब मैं मेकअप की वीडियोस बनाया करती थी तब की, और ये जब मैंने व्लॉगिंग शुरू किया था तो मैं गाँव गई थी और मैंने राजस्थानी वहाँ का जो कपड़े हैं वो पहन के फिर वहाँ गए थे उनके घरों में। देखो तैयबा हमेशा ना तस्वीरें ये सब कुछ बहुत संभाल के रखती है। कल का व्लॉग हम कल एक नए दिन से शुरू करेंगे, इसी के साथ आज का व्लॉग करती हूँ एंड। तो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाइड्रा फेशियल का कुछ रिजल्ट आया कि नहीं, मेरी स्किन चमक रही है ना कुछ, तो बस इसी के साथ अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।